बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम लोग अपने यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। आज के इस वीडियो में आप लोग बताएंगे बोर्ड पॉप इन्वेस्टमेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में सरकारी नौकरियां 2024 जो कि शुरू कर दी गई हैं। इसमें तालीमी काबिलियत अगर बात की जाए तो प्राइमरी, मेट्रिक, इंटर और बेचलर तालीम वाले जो किसी भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप लोगों को जो कि सरकारी नौकरी हासिल करने का जो कि शानदार मौका है, तो आप लोग जो कि इसमें अप्लाई करके जो कि नौकरी हासिल कर सकते हैं। इसमें उम्र के जो कि 18 से 35 साल रखी गई है और पूरे पाकिस्तान से जो कि मर्द और औरतें जो कि दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको उसकी तमाम तफसीलात बताऊँगा, अप्लाई करने का मुकम्मल तरीकाकार बताऊँगा, तो आप लोगों ने इस वीडियो को एंड तक वॉच करना है ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ें जो कि क्लियर हों। बाकी अभी तक आप लोगों ने इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दिए, और हमारे यूट्यूब चैनल तमाम लोग जो पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को जरूर ऑल पे कर दें। दोस्तों, इसकी तमाम तफसीलात जानने के लिए और अप्लाई करने के लिए दोस्तों आप लोगों ने सिंपली गूगल पे और सर्च बॉक्स पे इस तरह से आप लोगों ने टाइप कर लेना है बेस्ट पीके जॉब्स, और जैसे ही आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे तो टॉप पे आपको ये वेबसाइट इस तरह से जगह मिल जाएगी www.bestpkjobs.info। इस वेबसाइट का लिंक जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर क्लिक करके इस वेबसाइट पर भी आ सकते हैं। याद है दोस्तों, आने बता रहा हूँ पहली वेबसाइट में यहाँ पर क्लिक करना है, और इस वेबसाइट जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो कि इस तरह से ओपन हो जाएगी, और जैसे इसका ये इंटरफेस आपको नजर आएगा आपको यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब जो कि डिपार्टमेंट वाइज वाले सेक्शन में आ जाना है। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे टिकटॉक पे अभी तक फॉलो नहीं किया और व्हाट्सअप ग्रुप जॉब्स अपडेट्स का ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग फैमिली दोनों यहाँ पर क्लिक करके यहाँ पर जो कि ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों आने के बाद आप लोग नीचे आना है डिपार्टमेंट वाइज वाले सेक्शन में, और यहाँ पर आप लोगों ने गवर्नमेंट जॉब्स का बटन दिया गया तो आप लोगों ने सिंपली इस गवर्नमेंट जॉब्स वाले बटन पे क्लिक करना है। तो आपके सामने दोस्तों ये पेज इस तरह से जो कि ओपन हो जाएगा, और यहाँ पर पहली पोस्ट आपको इस तरह से जो कि मिल जाएगी जो कि बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पीएम ऑफिस न्यू जॉब्स 2024 ऑनलाइन अप्लाई। तो दोस्तों आप लोगों ने सिंपली इस पहली पोस्ट पर यहाँ पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों इसकी तमाम तफसीलात इस तरह से जो कि आपके सामने ओपन हो जाएंगी। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल तमाम लोग जो नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को जरूर ऑल पे कर दें। दोस्तों इससे यह होगा जितनी भी नहीं आने वाली जॉब्स के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले जो कि आपके पास पहुँचेंगी। साथ ही साथ दोस्तों हमारा जॉब्स अपडेट्स का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक करके वो भी आप लोग सिंपली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तक आने के बाद आप लोगों ने ये स्क्रॉल करना है, और यहाँ पर दोस्तों जैसे इसकी मजीद तमाम तफसीलात इस तरह से मिल जाएगी। सबसे पहले यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन दी गई आप लोग सिंपली रीड कर सकते हैं, उसके खाली सामने को मतलब बताया गया ये भी आप लोग सिंपली रीड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे और यहाँ पर जॉब्स क्राइटेरिया इस तरह से आपको मिल जाएगा। यहाँ पर एज लिमिट सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कि 18 से 35 साल की एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। इसी तरह से यहाँ पर अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए प्राइमरी, मेट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन तालीम वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं लास्ट जो कि 18 जुलाई 2024 यहाँ पर दी गई है, मजीद ये भी रीड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप लोग नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको इसका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट इस तरह से मिल जाएगा, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको एक बार रीड करी इसकी तमाम तफसीलात बता देता हूँ, इसमें कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई है, क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया, और आप लोगों ने इस पर किस तरह से अप्लाई करना है कि दोस्तों इसकी तमाम तफसीलात दूंगा। इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें समझ आएंगी। इस वीडियो को अभी तक आप लोगों ने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, और चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को जरूर ऑल पे कर दें। दोस्तों ये ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट आप लोग अपने मोबाइल स्क्रीन भी यहाँ पर देख सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की तरफ से जो कि ये एडवर्टाइजमेंट जो कि जारी किया गया है। मजीद इसकी तमाम तफसीलात यहाँ पर भी दी गई, आप लोग सिंपली रीड कर सकते हैं। इसमें बताया गया है मेल और फीमेल पाकिस्तानी सिटीजन वाले जो कि इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मजीद नीचे आएंगे और यहाँ पर मजीद आपको तमाम वैकेंसी इस तरह से मिल जाएगी। पहली वैकेंसी असिस्टेंट PPS 15 की है, इसमें ग्रेजुएशन तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं, और इसका अगर यहाँ पर मेरिट देखा जाए कोटा वाइज पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब सिंध की यहाँ पर सीट्स दी गई हैं, और एज लिमिट लास्ट में देख सकते हैं जो कि 33 साल तक आप लोग ये एज है तो आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट सिक्वेंस आप लोग देख सकते हैं स्टैंडर्ड टाइप है BPS 14 की है, इसमें इंटर तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह इंटर के बाद यहाँ पर आपके पास शॉर्ट हैंड की 80% स्पीड होनी चाहिए, और कंप्यूटर टाइपिंग की 40% स्पीड होनी चाहिए, आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी भी एज लिमिट यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं जो कि 30 साल तक यहाँ पर दी गई है। मजीद नीचे आएंगे यहाँ पर आप लोगों को जो डेटा उनती ऑपरेटर BPS 14 का ये रैंक इस तरह से मिल जाएगा, और दोस्तों यहाँ पर इसकी क्वालिफिकेशन जो कि बेशक तालीम आपको यहाँ पर चाहिए। इसी तरह दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसकी एज लिमिट जो है 30 साल यहाँ पर दी गई है। मजीद दोस्तों आप लोग नीचे आएंगे और यहाँ पर नेक्स्ट वैकेंसी आप लोग देख सकते हैं ड्राइवर BPS 4 की है, इसमें प्राइमरी तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं, साथ आपके पास जो कि वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं, ओपन मेरिट से आया तो पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों इसकी एलिमेंट आप लोग देख सकते हैं, इसमें 35 ईयर की एलिमेंट यहाँ पर दी गई है। मजीद दोस्तों आप लोग नीचे आएंगे और यहाँ पर डिस्पैच राइडर की वैकेंसी BPS 4 की, इसमें प्राइमरी पास तालीम वाले अप्लाई चाहिए, और साथ आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आप लोग नीचे आएंगे और यहाँ पर आप लोग जो है नेक्स्ट वैकेंसी नायब कासिद की मिलेगी, इसमें भी प्राइमरी पास तालीम वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद चौकीदार की मिलेगी, इसमें भी प्राइमरी पास तालीम वाले अप्लाई कर सकती।
मजीद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं जो कि कोटा वाइज सीज डिस्ट्रीब्यूट की गई है, आप लोग सिंपली ये भी देख सकते हैं। इसी तरह दोस्तों आप लोग नीचे आएंगे और यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, अगर आप लोग यहाँ पर रीड कर लेते हैं तो इस जो कि नाइस को समझ ले, उसके बाद मैं आगे चलकर आपको बता दूँ। तो यहाँ पर बताया गया कि जो ये सामी नंबर 4 से 7 तक के उनका सिर्फ इंटरव्यू होगा, उन लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म में आपको वो बताऊँगा वो कहाँ से डाउनलोड करना है। तो इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद उसके साथ आप लोगों ने तमाम ओरिजिनल जो कि डॉक्यूमेंट लेके जाने और एक अदर तमाम उनकी फ़ोटो कॉपीज़ लेके जानी है जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है, और दो अदर आप लोगों ने अपने पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स भी लेके जानी है और तमाम चीज़ें जो इंटरव्यू के वक्त लेके जानी है। और यहाँ पर तमाम इंटरव्यू का वक्त भी दिया गया, तो ये भी आप लोगों में दिखा देता हूँ नीचे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं सीरियल नंबर 4 से 7 में कौन सी वैकेंसीज आती हैं, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो कि 4 ड्राइवर से लेकर दोस्तों नीचे जितनी भी वैकेंसीज है इनके लिए यहाँ पर इंटरव्यू रखा गया है। और यहाँ पर सबसे पहले दोस्तों आप लोग देख सकते हैं सिंध और बलूचिस्तान के कैंडिडेट्स होंगे, उन्होंने डेट और टाइम यहाँ पर दिए गए कि 8/7/2024 को आप लोगों ने जो कि यहाँ पे इनके वेन्यू इस वेन्यू में जाना है और जो कि आपका इंटरव्यू इस वेन्यू में होगा, सैयदना दायर सैफुद्दीन मेमोरियल फाउंडेशन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं तमाम एड्रेस दिया गया। तो इस एड्रेस पर आप लोगों ने जाके सिंपली आप लोगों ने जो कि अपना जो कि इंटरव्यू देना है। इसी तरह नेक्स्ट यहाँ पर सेंटर दिए गए पंजाब के पी इस्लामाबाद वालों के लिए, इनकी जो कि इंटरव्यू डेट 10/7/2024 जो कि यहाँ पर दी गई। इसी तरह इसमें दोस्तों देख सकते हैं वेन्यू यहाँ पर जो कि 6th फ्लोर कोशर ब्लॉक पार्क 58 इस्लामाबाद। तो फिर यहाँ पे ऐसे में 4 से 7 इनका इंटरव्यू सिर्फ होगा, इसके लिए आप लोगों ने अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स वगैरह एप्लीकेशन फॉर्म में आगे चल के बताता हूँ आप लोगों ने वो फिल करना है। तो तमाम चीज़ें आप लोगों ने जो कि इन दोनों में सेंटर जो भी आपके करीब पड़ता है आप लोगों ने वहाँ पर जाके ये टेस्ट वगैरह दे देना है। मजीद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ऊपर जो वैकेंसीज रह गई हैं यहाँ पर असिस्टेंट से लेकर डेटा एंट्री ऑपरेटर तक, इसके लिए आप लोगों ने किस तरह से अप्लाई करना है। तो दोस्तों इस एडवर्टाइजमेंट का सेकंड पेज और यहाँ पर इसका अप्लाई करने का तरीकाकार यहाँ पर दिया गया है। इसका अप्लाई करने का तरीकाकार भी सिंपल ही है, आप लोगों को दिखा देता हूँ। सीरियल नंबर 1 से 3 तक जितनी भी वैकेंसीज है एक एप्लीकेशन वो मैं आपको बताऊँगा, आप लोगों ने इसको फिल आउट करना है। और इसके साथ दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो कि अटेस्टेड को भी जितनी भी आपकी जो कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने अपने CNIC की यहाँ पर अटेस्टेड फोटो कापीज़ करानी है, 2 अदद आपने पासपोर्ट साइज़ यहाँ पर फोटोग्राफ करवानी है। और ये तमाम चीज़ें दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया एड्रेस जो कि डायरेक्टर एडमिन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट 6th फ्लोर कोसर ब्लॉक पार्क 58 इस्लामाबाद में आप लोगों ने सिंपली सेंड करना है और सिंपली इसका तरह से अप्लाई हो जाएगा भाई। बाकी दोस्तों कोई भी क्यूरी होती, कोई मसला परेशानी होती है आप लोग नीचे कमेंट कर देना, तो इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट गाइड कर दूंगा, बाकी परेशानी करने की कोई जरूरत नहीं है। और मजीद यहाँ पर तमाम तफसीलात रीड करके और इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं आपको इसका अप्लीकेशन फॉर्म आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, उसको किस तरह से मेल करना है। तो चलते हैं हम अपनी सेम उसी वेबसाइट पर जिस वेबसाइट का मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था। तो दोस्तों आप लोगों ने हमारी सेम इसी वेबसाइट पर आ जाना है और यहाँ पर इश्तिहार आपको जो कि यहाँ पे जॉब्स एडवर्टाइजमेंट के सेक्शन में मिल जाएंगे इसके नीचे आ जाना है। और यहाँ हाउ टू अप्लाई का सेक्शन आपको इस तरह से मिल जाएगा। सेक्शन में आने का दोस्तों आप लोग देख सकते हैं अप्लाई आपको बटन दिया गया, तो इस बटन में आप लोग यहाँ पर क्लिक करना है। तो दोस्तों आपके सामने जो कि ये वेबसाइट इस तरह से ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप लोगों ने नीचे आ जाना है और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म आपको इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं मिल जाएगा। तो इसको आप लोगों ने सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और यहाँ पर इसको फिल आउट कर लेना है। इसमें सबसे पहले तो आप लोगों ने यहाँ पर अपनी पिक्चर वगैरह लगानी है और उसके बाद यहाँ पर अपने जिस असामी के लिए अप्लाई करें यहाँ पर उसका स्केल उसका नाम लिखना है। इसी तरह आप लोगों ने अपने यहाँ पर बेसिक डिटेल देनी है, नाम वगैरह, नंबर वगैरह, डेट ऑफ बर्थ देनी है, CNIC नंबर वगैरह डालना है। उसके बाद नीचे तमाम चीज़ें आप लोगों ने अपनी इसी तरह जो कि फॉर्मेट के मुताबिक दी है अपनी तमाम चीज़ें डालने के बाद उन तमाम चीज़ों को फिल आउट करने के बाद यहाँ पर नीचे सिग्नेचर करना है। दोस्तों जिन जिन चीज़ों को मैंने आपको बताया था इसके साथ अटैच करने और सिंपली इसको उसी एड्रेस पर सेंड कर देना है BPS 1 से 3 वैकेंसीज के लिए, और बाकी वैकेंसी दी आप लोगों ने फिल आउट करके जो कि अपने साथ सेंटर में लेके जाना है। तो सिंपली इसका इस तरह से अप्लाई होगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आया होगा, फिर भी कोई क्यों नहीं मसला होता है आप लोग नीचे कमेंट कर देना, इंशाल्लाह आपका भाई कंप्लीट गाइड करेगा। बाकी दोस्तों आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी। इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन वाले आइकन को जरूर ऑल पर कर दें। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं आपको इस नए जॉब्स वीडियो में, तब तक ही अपने भाई को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।